बांग्लादेश में कोरोना वायरस की महामारी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। ये कोरोना वायरस तेजी से एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति के शरीर में फैलने लगा है। स्थिति अब ऐसी है कि इंसानों की सांस से इस बीमारी के कीटाणु तेजी से फैल रहे हैं। इस कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अब कोई उपाय नहीं बचा है। बांग्लादेश में कोरोना वायरस की महामारी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। ये कोरोना वायरस तेजी से एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति के शरीर में फैलने लगा है। स्थिति अब ऐसी है कि इंसानों के सांस से इस बीमारी के कीटाणु तेजी से फैल रहे हैं। इस कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अब कोई उपाय नहीं बचा है। बांग्लादेश में कोरोना महामारी तेजी से भयावह रूप ले रही है। बांग्लादेश में सख्त लॉकडाउन के बाद सरकार ने ईद से पहले लॉकडाउन में ढील दी थी, जिसके बाद बांग्लादेश में ईद के एक दिन बाद से 14 दिनों का कठोर लॉकडाउन चल रहा है। लेकिन गंभीर लॉकडाउन के बीच बांग्लादेश में कोरोना वायरस के मामले और मौतों की संख्या दिन ब दिन तेजी से बढ़ रही है। बांग्लादेश के कोरोना अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। वहीं ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल समेत विभिन्न अस्पतालों की कोरोना यूनिटों में सांस की गंभीर तकलीफ के साथ एक के बाद एक मरीज आ रहे हैं। कई मरीज अस्पतालों में बेड मिलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच अस्पताल में बेड का संकट खड़ा हो गया है। पता चला है कि सोमवार को कुल 247 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। बांग्लादेश में एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का रिकॉर्ड है। बांग्लादेश में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों की कुल संख्या 19,521 तक पहुंच चुकी है। वहीं सोमवार को 15,192 नए कोरोना संक्रमण मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश में नए कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 11,79,827 तक पहुँच चुकी है। हालांकि बांग्लादेश के विशेषज्ञ डॉक्टर ने दावा किया है कि अभी से लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं करने पर कोरोना वायरस से और अधिक खतरे की आशंका है।